ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मेडिकल चेकअप मुकम्मल हो गया है। आज 1 बजे इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना कर दिया जाएगा। बशीर चौधरी से जानते हैं, बशीर बताएगा क्या कहना है डॉक्टर्स का मेडिकल चेकअप के हवाले से। जी बिल्कुल, कायदे हिज़्बे इस्लाह शहबाज शरीफ जो कि अपनी सरकारी रिहाइश का मिनिस्टर इनक्लेव में मौजूद थे, उनको नैब ने अपनी तहवील में यहाँ पर रखा हुआ था, उनकी रिहाइश का को सब जेल करार दे के कौमी असम्बली इजलास के हवाले से, लेकिन इस दौरान उनकी तबीयत जो है वो खराब भी हुई और उनके दो दफा जो है वो मेडिकल टेस्ट करवाए गए। पहली दफा जब मेडिकल टेस्ट कराए गए तो उनके उनकी रिपोर्ट में जो है वो कैंसर के असरात जो है वो री इमर्ज होते दिखाई दिए, जिसके बाद डॉक्टर्स ने एक नया मेडिकल बोर्ड जो है वो तशकील देने की तजवीज दी थी। नए मेडिकल बोर्ड ने चेकअप किया और उसके बाद उनके जो है वो प्राइवेट एक हॉस्पिटल से जो है वो टेस्ट करवाए गए जो कि अभी तक आना बाकी है, लेकिन उनकी सेहत को सामने रखते हुए आज एक बार फिर जो है वो मेडिकल बोर्ड ने उनका चेकअप किया है और उन्हें मजीद आराम का मशवरा दिया है, जिसके बाद नैब ने उन्हें आज लाहौर मुंतकिल करने का फैसला किया है। 1 बजे के करीब उनकी जो फ्लाइट है वो यहाँ से रवाना हो जाएगी और वो जो नैब सेल है वहाँ पर रहेंगे। जब कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा तो दोबारा उनके जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं वो जारी होंगे और उन्हें इस्लामाबाद किया जाएगा।